सो नाउ वी स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर देखिये, देखिये, को समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सपोज एन की फॉर्मेशन हो रही है तो एन कैसे बनता है एन में आपको पता है कि आयनिक बॉन्डिंग होती है सोडियम के ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज होता है क्लोरीन के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज okay, तो यहां पर जो चार्जेस हैं ये चार्जेस आर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिया है तो उसके ऊपर एग्जैक्ट वन पॉजिटिव चार्ज आ गया क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो उसके ऊपर वन नेगेटिव चार्ज आ गया तो चार्जेस एब्सोल्यूट हैं ओके okay, बट इसी के साथ अगर हम मान लीजिए एचसीएल का एग्जाम्पल लेते हैं एच इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही यहां पर आयनिक बॉन्डिंग नहीं है कंप्लीटली ठीक है आप लिखते हैं कि एच को पानी में डालेंगे तो ये एच पॉजिटिव और सी नेगेटिव में टूटता है ठीक है बट स्टिल इसका जो करेक्टर है वो काफी हद तक कोवलेंट है 100% परसेंट आयनिक करेक्टर नहीं है पर हम एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं क्यों लिखते हैं क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन हो जाती है चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो थोड़ा क्लोरिन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं ठीक है थीके? तो ये चीज क्लियर है कि आयनिक बॉन्डिंग में चार्ज एब्सोल्यूट होता है कोवलेंट बॉन्डिंग में चार्जेस आर पार्शियल वेनेवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन बॉन्डिंग एटम्स के जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो उनमें पार्शल चार्जेस डेवलप होंगे अब इसके बेस पे अगर आपको मैं एक थ्योरी प्रपोज करूँ कि एच में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है तो मान लीजिए जब भी ए और बी कोई भी दो एटम है इनके बीच में बॉन्ड बनता है तो हम एक इमेजिनरी नंबर मानेंगे कि अगर बी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो मान लीजिए ये बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसको क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ मिल रहे हैं जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और ए लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ लूज करेगा अपने ठीक है मतलब बी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम एपरेंट चार्ज भी बोलते हैं तो बी ने क्या किया इस बॉन्ड से गेन किया ए ने इस बॉन्ड में लूज किया तो हम ये बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इज प्लस वन तो जो लूज करता है उस पर एक बॉन्ड की वजह से प्लस वन आता है और जो गेन करता है उसके ऊपर माइनस वन आता है ठीक है एक बॉन्ड की वजह से अब अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए हमारे पास ए डबल बॉन्ड बी है यहाँ पर भी बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है और ए लेस नेगेटिव है तो क्योंकि अब यहाँ पर दो बॉन्ड है और एक बॉन्ड की वजह से वन की वैल्यू आती है कि जो गेन करेगा उस पर माइनस वन और जो लूज़ करेगा उस पर प्लस वन तो यहां पर डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से यहां पर बी के ऊपर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी आ जाएगा माइनस टू और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए आ जाएगा प्लस टू तो इसका मतलब एक बॉन्ड एवरी बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स प्लस वन टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड माइनस वन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया ऑक्सीडेशन नंबर का है तो ये एक अपेरेंट चार्ज एक इमेजिनरी नंबर है पर इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ठीक है क्योंकि ए और बी के बीच में बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े बी की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेंगे ओके और चार्जेस कैसे होंगे पार्शियल होंगे पर हम नंबर यहां पर लिखते हैं प्लस वन और माइनस वन तो ये एक एब्सोल्यूट नंबर है ठीक है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अब इसमें एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है तो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लेफ्ट से भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन राइट right से भी खींचेगा तो मतलब दोनों बॉन्ड से ऑक्सीजन को ही मिलेंगे तो दो बॉन्ड का मतलब है कितना आएगा उसके पास माइनस टू तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा माइनस टू अब एक हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड से लूज कर रहा है ना तो लेफ्ट वाले का भी प्लस वन होगा राइट वाले का भी प्लस वन होगा ठीक है वैसे अगर हम एच की बात करें तो एच में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है प्लस वन क्लोरिन का कितना हो जाएगा माइनस वन फिर चाहे आप एच बी आर ले लें वहां पर भी ऐसा ही होगा ठीक है फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं सी ओ टू का अब सीओ टू में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अब देखिए कार्बन लेफ्ट में भी दो बॉन्ड से ऑक्सीजन की तरफ छोड़ रहा है मतलब अगर इस डबल बॉन्ड को हम देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दो बॉन्ड से गेन करेगा तो माइनस टू राइट साइड वाले में देखें तो इस डबल बॉन्ड में भी ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड से गेन करेगा तो इस पर भी माइनस टू अब कार्बन की बात करें तो लेफ्ट में इसने दो में लूज किया राइट right में भी दो में लूज किया तो टोटल प्लस फोर ठीक है तो समझ आ गया आपको कि हर एक बॉन्ड एक यूनिट कंट्रीब्यूट करता है तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर एक बॉन्ड की वजह से प्लस वन आएगा और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है उसके पास एक बॉन्ड की वजह से माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ओके okay, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर का अब इसको अगर हम एक रिएक्शन में अप्लाई करें जैसे कि सी एच फोर प्लस सी एल टू ठीक है चलिए फोर सी एल टू गिव्स यू फोर सी सी एल फोर प्लस फोर एच सी एल तो ये हमारे पास रिएक्शन है यहां पे अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन होती है टू पॉइंट फाइव और हाइड्रोजन की होती है टू टू तो मतलब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है तो CH4 के स्ट्रक्चर को तो आप जानते हैं कि कार्बन के साथ चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन होगा तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चारों बॉन्ड से कार्बन ही गेन करेगा तो कार्बन चार तरफ से गेन करेगा तो कार्बन पे क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फोर तो ऑक्सीडेशन नंबर को आप हमेशा एटम के ऊपर लिख सकते हैं और हर एक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड में लूज करता है अब ये मत बोलना कि हाइड्रोजन चार बॉन्ड में लूज कर रहा है तो प्लस फोर वो चार अलग अलग हाइड्रोजन है सब पे वन वन चार्ज आ रहा है प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो टोटल देखा जाए तो कार्बन पे माइनस फोर एक हाइड्रोजन पे प्लस वन है तो चार पे कितना होगा प्लस फोर तो माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो गया ठीक है अब ये एक रूल है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे फिर क्लोरीन की बात करें क्लोरीन का अभी किसके किसी के भी साथ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा क्लोरीन का अपने ही एटम के साथ बॉन्ड है तो जब बॉन्ड अपने ही एटम के साथ होगा तो कोई लेन देन नहीं है ठीक है क्लोरीन क्लोरीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी का डिफरेंस तो नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा उसको हम जीरो लिखेंगे सी सी एल फोर में अब कार्बन चारों तरफ किससे कनेक्टेड है क्लोरीन से और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन तो कार्बन चारों तरफ क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चारों तरफ लूज करेगा तो प्लस फोर आ जाएगा और हर एक क्लोरीन एक बॉन्ड से गेन कर रहा है तो माइनस वन आ जाएगा तो एक क्लोरीन पे माइनस वन तो चार के ऊपर माइनस चार तो टोटल ऐड करोगे तो वो भी जीरो होगा मतलब न्यूट्रल हो जाएगा स्ट्रक्चर और वैसे ही एच तो अभी पढ़ा है, हमने एच में प्लस वन में माइनस वन तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को यहां पर लिख सकते हैं ठीक है अब देखते हैं किसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम तो ऑक्सीडेशन नंबर इट्स एन इमेजिनरी और एपेरेंट चार्ज एपेरेंट चार्ज का मतलब जो पार्शियल होता है पर फिर भी हम उसको एक एब्सोल्यूट नंबर दे देते हैं ठीक है तो क्या है इमेजिनरी या एपेरेंट चार्ज है डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन मॉलिक्यूल मतलब उस एटम पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है जब वो अपनी एलिमेंटल स्टेट से एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन की बात करेंगे तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कैसा होता है एच टू क्लोरिन कैसी होती है फ्री स्टेट में Cl2 टू ऑक्सीजन कैसा होगा ओ टू सोडियम कैसा होगा सिंपल सोडियम ठीक है तो अपनी एलिमेंटल स्टेट से जब वो कंबाइंड स्टेट में जाता है मतलब जाके कि किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है तब उस पर क्या चार्ज आता है क्योंकि जब दूसरे के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा मान लीजिए ए अकेला था ए टू बी टू भी अकेला था इन दोनों ने मिलके बना दिया ए बी जब ए टू अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है बी टू भी अभी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है पर जब ये कंबाइन कर गए आपस में अब ए और बी के बीच में हो सकता है कि थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो और अगर होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस वन और लेस पे प्लस वन चला जाएगा तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कब आता है जब वो कंबाइंड स्टेट में जाते हैं मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं एटम्स अपनी फ्री स्टेट में उनके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता जीरो होता है ऑक्सीडेशन नंबर उनका ठीक है तो ये चीज आपने याद रखनी कि जब वो कोई एटम अपनी एलिमेंटल फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है तब उसके ऊपर क्या अपरेंट चार्ज आएगा दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है तो आप इसको डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं इन दिस मेथड इट इज ऑलवेज एज्यूमड दैट देर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो यही हमने पढ़ा भी कि हम मान के चल रहे हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव वाले पे माइनस वन और लेस वाले पे प्लस वन आ जाएगा तो ये हम मान के चलते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है आयनिक नहीं है आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर होती है पर यहां हम मान रहे हैं ऐसा ओके तो दैट इज द बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अब आप इसको नोट कर लीजिए अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम देखें तो द रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखिए फर्स्ट रूल यहां पर है फॉर एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट अनकंबाइंड जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है जैसे आप बात कर लीजिए O2 का H2 Cl2 O3 फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है ठीक है सोडियम की बात करते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं आयरन की बात करते हैं ठीक है और भी एल्यूमिनियम ले लीजिए मैंगनीज ले लीजिए तो ये सभी अपनी फ्री स्टेट में है ओके okay, ये किसी भी दूसरे एटम के साथ इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया किसी दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है अपने ही आइटम्स के साथ बॉन्डेड है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे जीरो होगा और रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड होता भी है तो दोनों की इलेक्ट्रो तो सेम है तो कोई लूज नहीं करेगा और कोई गेन भी नहीं करेगा तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो सेकेंड रूल फॉर सिंगल एटम आयन ऐसे आयन जो सिर्फ एक एटम से बने हुए हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के बराबर ही होता है ठीक है जैसे कि सीएल नेगेटिव पे ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन तो सीएल नेगेटिव एक ही एटम से आयन बना है तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है ठीक है फिर आप लिख लीजिए मान लीजिए मैग्नीशियम टू पॉजिटिव तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा टू सोडियम पॉजिटिव का प्लस वन एल्यूमिनियम प्लस थ्री का प्लस थ्री ठीक है एफ यू प्लस टू का प्लस टू और क्या एग्जांपल लिखते हैं ऑक्सीजन टू माइनस का माइनस टू सल्फर टू माइनस का माइनस टू तो जो सिंगल एटम वाले आयन हैं उनमें जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा अब देखिए थर्ड रूल साथ साथ में आपको नोट भी करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू माइनस वन ऑलवेज अब फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं है इसलिए किसी भी एटम का किसी भी ठीक है एटम का अगर फ्लोरीन से बॉन्ड बनता है मान लीजिए कोई भी एटम जेड में लेता हूं उसका फ्लोरीन से बॉन्ड बनेगा तो फ्लोरीन क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रखता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन हमेशा गेन ही करता है किसी भी बॉन्ड से तो इस पर माइनस वन ही आएगा और जो दूसरा आइटम होगा उस पर प्लस वन ही आएगा ठीक है तो फ्लोरीन हमेशा माइनस वन रखता है ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड में है तो माइनस टू ऑक्साइड का मतलब ही क्या होता है ओ टू नेगेटिव आयन इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स ठीक है जैसे कि एच टू ओ में ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है सी ओ टू में ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है सी ओ में ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है ठीक है और सिंपल एग्जांपल ले लीजिए मान लीजिए एल आई ओ एच ले लिया एन ए टू ओ ले लिया ठीक है के टू ओ ये सारे एग्जांपल क्या है ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज है इसलिए इनको ऑक्साइड्स कहा जाता है ओके पर ऑक्साइड क्या होते हैं जहां पर वेयर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट ठीक है इसका एग्जाम्पल देते हैं हम एच टू ओ टू हाइड्रोजन परोक्साइड हाइड्रोजन परॉक्साइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है ये स्ट्रक्चर है अब यहां पर देखें ये जो ऑक्सीजन है लेफ्ट में हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो लेफ्ट में हाइड्रोजन से गेन करेगा तो माइनस वन अब राइट right साइड में ये ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्डेड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लेन देन नहीं हो सकता तो इस बॉन्ड से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता राइट वाले ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी राइट वाले हाइड्रोजन से एक गेन करता है तो माइनस वन वैसे दोनों हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन प्लस वन तो ऐसा ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज हो उसको परऑक्साइड कहा जाता है और ये कब होता है जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है तो एच ले सकते हैं एन ले सकते हैं ठीक है के ओके डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल यहां पर होंगे परॉक्साइड्स के जो आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको परॉक्साइड्स के और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे फिर सुपरऑक्साइड्स सुपरऑक्साइड्स में ऑक्सीजन पे माइनस हाफ चार्ज होता है ठीक है तो यहां पर क्या होता है के ओ टू ओके अब के क्या है अल्कली मेटल है अल्कली मेटल पे हमेशा प्लस वन क्योंकि अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसको ही लूज करते हैं अल्कली पे कभी भी प्लस वन से ज़्यादा चार्ज नहीं आता तो अल्कली की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर हमेशा प्लस वन होता है तो अल्कली का तो कन्फर्म हो गया प्लस वन होगा अब इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि के ओ टू अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो के पे अगर प्लस वन है तो ओ टू मिला के क्या होना चाहिए माइनस वन ठीक है तो मतलब ये O2 पे माइनस वन चार्ज होता है तो दो ऑक्सीजन पे माइनस वन है तो एक पे कितना होगा माइनस हाफ इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड ऐसे स्पीशीज जहां पर O2 टू माइनस वन आयन प्रेजेंट हो ओके फिर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे मोस्टली प्लस वन होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज हाइड्रोजन जिसके साथ भी अटैच होता है वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ठीक है जैसे आप H2O की बात करें CH4 की बात करें H2S की बात करें NH3 की बात करें ठीक है HCl की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लग रहा है कार्बन से के साथ अटैच हो रहा है सल्फर के साथ नाइट्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ ये सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव हैं इसलिए ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं तो हाइड्रोजन पे प्लस वन आता है पर कभी कभी हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी जुड़ता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अल्कली अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है तो यहां पर हम बोल सकते हैं जैसे NaH की बात करें एम जी एच टू सी एच टू एल आई एच एटसेट्रा और भी आपको बहुत हाइड्राइड मिलेंगे एन में सोडियम की इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी कम है इसलिए वो लूज करेगा तो प्लस वन हाइड्रोजन को गेन करना पड़ेगा तो ये माइनस वन मैग्नीशियम क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन ग्रुप टू ग्रुप टू पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर टू ही आता है प्लस टू तो मैग्नीशियम पे हो जाएगा प्लस टू इसको बैलेंस करने के लिए एक एक हाइड्रोजन पे माइनस वन तो दो हाइड्रोजन है तो दोनों पे मिला के माइनस मतलब पर हाइड्रोजन माइनस वन रहेगा वैसे कैल्शियम पे प्लस टू हाइड्रोजन पे माइनस वन लिथियम पे प्लस वन हाइड्रोजन पे माइनस वन तो हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी जनरली हाइड्रोजन से कम ही होती है इसलिए वहाँ पर ये हाइड्राइड्स बनाता है और हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे माइनस वन चार्ज एग्जिस्ट करता है तो अल्किले और क्लाइन आपने पढ़ लिया एल्यूमिनियम पे हमेशा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर आता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने ए एल सी एल थ्री सुना होगा ए एल बी आर थ्री सुना होगा ए एल एच थ्री सुना होगा ठीक है ए एल ओ एच थ्राइस ए एल टू ओ थ्री एट्सट्रा सभी केसेस में एल्यूमिनियम पे यहाँ पर प्लस थ्री चार्ज ही है एल्यूमिनियम प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता ठीक है वो अनस्टेबल होती है उतनी स्टेबल नहीं होती और वो आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ रूल एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ स्पीशीज स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं चाहे वो मॉलिक्यूल हो न्यूट्रल या कोई पॉली एटॉमिक आयन हो ठीक है तो किसी भी स्पीशीज पे सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट स्पीशीज ओके okay? अब इसका हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं एच टू ओ एच टू ओ में अब क्या करना है हमने ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है मतलब इसके सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जीरो आना चाहिए क्योंकि चार्ज क्या है जीरो है हाइड्रोजन पे कितना है प्लस वन और हाइड्रोजन है कितनी दो तो दो हाइड्रोजन पे प्लस वन तो टू तो इन प्लस वन प्लस ऑक्सीजन पे कितना आता है माइनस टू जीरो ठीक है यहां से बैलेंस भी हो गया और अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है कि ऑक्सीजन पे कितना आता है तो आप ऑक्सीजन को एक्स ले सकते हैं वैल्यू कि ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है नहीं पता पर हाइड्रोजन पे प्लस वन है तो टू इंटू प्लस वन प्लस ऑक्सीजन पे कितना है x इसको जीरो पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी एन की बात करें तो एन भी न्यूट्रल है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मान लीजिए नहीं पता x है पर तीन हाइड्रोजन का तो क्या होगा हाइड्रोजन प्लस वन में होगा क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो थ्री इन टू वन जीरो होना चाहिए तो यहां से x आ गया माइनस थ्री के बराबर ठीक है फिर यहां पे अगर हम NO2 की बात लेते हैं तो NO2 में नाइट्रोजन एक्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्साइड में होता है तो दो ऑक्सीजन है तो टू इंटू माइनस टू क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है और न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू जीरो तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा प्लस फोर एन टू ओ फाइव का एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन दो है तो दो पे कितना होगा टू एक्स ऑक्सीजन पांच है तो पांच पे होगा फाइव इंटू माइनस टू और न्यूट्रल है तो जीरो एक्स कितना आ जाएगा प्लस फाइव ठीक है तो इस तरह के हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं अब साथ में कभी हमने अच्छा सॉरी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई ऑक्सीजन पे माइनस टू माइनस वन माइनस हाफ चार्ज तो आता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी आता है अगर हम ओ टू की बात करें ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड तो यहां पर ऑक्सीजन दोनों तरफ किससे कनेक्टेड है फ्लोरीन से ठीक है तो ओ एफ टू के स्ट्रक्चर में क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से तो इस पर माइनस वन आएगा और ऑक्सीजन पे यहां दोनों तरफ लूज कर रहा है तो प्लस टू ओके फिर वैसे ही एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास ओ टू एफ टू ठीक है तो दो फ्लोरीन पे मिला के माइनस टू और दो ऑक्सीजन पे मिला के प्लस टू बैलेंस करने के लिए तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा प्लस वन तो ओ टू एफ टू में ऑक्सीजन पे प्लस वन आता है तो ये ऐसे केसेस हैं जहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आता है मींस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करती है ठीक है तो ये नाइट्रोजन के लिए में तीन केस कर लिए अब और एग्जाम्पल मान लीजिए हम एच की बात करते हैं एच में हाइड्रोजन से देखिए हाइड्रोजन के साथ सल्फर लगाया और ऑक्सीजन लगाया दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन को तो लूज ही करना पड़ेगा तो हाइड्रोजन पे प्लस वन ही रहेगा तो टू इंटू वन प्लस सल्फर पे कितना है आपको नहीं पता मान लीजिए एक्स है एक ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है चार पे कितना हो जाएगा फोर इंटू माइनस टू तो सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा प्लस सिक्स ओके वैसे ही और कोई एग्जाम्पल आप देना चाहें एम जी फोर मैग्नीशियम क्योंकि ग्रुप टू का मेटल है तो उस पर हमेशा प्लस टू होगा सल्फर पे एक्स मान लेते हैं फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स अगेन प्लस सिक्स मतलब जो सल्फेट है एसओ फोर टू नेगेटिव आयन इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स है फिक्स अब आप चाहे MgSO4 लिखो ए एल टू फोर थ्राइस लिखो के टू फोर लिखो सी फोर लिखो सी यू फोर लिखो कुछ भी लिखो जब जब सल्फेट आएगा SO4 फोर आएगा सल्फर प्लस सिक्स में ही होगा ओके okay? अब इसके ऊपर भी हम एक केस कर लेते हैं कि अब ये तो अब तक हमने जो पढ़े सारे के सारे न्यूट्रल स्पीशीज थी अब कोई स्पीशीज पे चार्ज भी तो हो सकता है ना मान लीजिए हम लेते हैं SO4 2- नेगेटिव आयन ठीक है इसके लिए क्या करेंगे सल्फर पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता मान लीजिए X, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू तो चार पे कितना होगा फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए चार्ज ऑन दैट स्पीशीज स्पीशीज पे कितना चार्ज है माइनस टू तो इज इक्वल टू माइनस टू करेंगे तो यहां से भी x प्लस सिक्स ही आएगा ठीक है तो इस तरह से हम आयंस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं अब मान लीजिए मुझे NO3 नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता x ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड में ही होता है तो तीन ऑक्सीजन है थ्री इन टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये एक्स इज इक्वल टू प्लस 5, ओके तो एनओ थ्री नेगेटिव किसमें प्रेजेंट होगा कॉपर नाइट्रेट में सिल्वर नाइट्रेट में पोटासियम नाइट्रेट में तो ये नाइट्रेट आयन है फिर उसी तरह से हम किसका हैं? मान लीजिए एस आई सी एल फोर सिलिकॉन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है क्लोरीन, क्योंकि हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन पे क्लोरीन क्या करेगा देखिए सिलिकॉन के साथ चारों तरफ क्लोरीन लगा हुआ है तो चारों बॉन्ड से क्लोरीन एक एक एक-एक गेन करेगा तो हर क्लोरीन पे माइनस वन आएगा ठीक है तो सिलिकॉन पे कितना आ जाएगा ही बात है प्लस फोर क्योंकि चार बॉन्ड्स में सिलिकॉन लूज कर रहा है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिलिकॉन पे एक्स मान लिया और एक क्लोरीन पे माइनस वन है तो फोर पे कितना होगा फोर इंटू माइनस वन और क्योंकि ये न्यूट्रल है इज इक्वल टू तो ज़ीरो x आ गया आपके पास प्लस फोर ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं और बाकी तो इस कंप्लीट चैप्टर में हमें यही करना है ओके okay? बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी आयन हो या मॉलिक्यूल हो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल चार्ज के बराबर होता है ठीक है अभी हम आने वाले टॉपिक्स लेक्चर में काफी सारी और प्रॉब्लम देखेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करना है थ्रू आउट चैप्टर ठीक है तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी डोंट वरी अबाउट दैट सो आई थिंक दिस रूल्स आर कंप्लीटली क्लियर कि क्या क्या करना है हमने यहां पे ठीक है तो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विद स्टॉक नोटेशन और ये पढ़ेंगे हम कि कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जब मल्टीपल वैल्यूज शो करती हैं ठीक है एक ही एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन पे हमने देखा यहां नाइट्रोजन माइनस थ्री में है यहां नाइट्रोजन प्लस फोर में है यहां प्लस फाइव में है तो जब एक एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है तो उसके करेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है मतलब क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है या दोनों एजेंट्स की तरह काम कर सकता है और कब तो ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे Okay, thank you for your time. Have a nice day.